आज का जो बढ़िया वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए, मुख्य द्वार का वीडियो। मुख्य द्वार पर क्या क्या चीज होनी चाहिए, मुख्य द्वार पे हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए कि कहीं हमारा मुख्य द्वार जो है वह दूषित न हो जाए। मित्रों, मुख्य द्वार हमारे घर का, जैसे नाम से ही है कि यह प्रधान द्वार कहा जाता है, जिस पर भगवान गणपति विराजमान होते। दोस्तों, आज की जो बढ़िया बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे वास्तु टिप्स, मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं, तो आज का वास्तु टिप्स है मुख्य द्वार की वो महत्वपूर्ण बातें जो आज मेरे दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पहली बात, आपके मुख्य द्वार के आगे गंदे पानी का बिल्कुल भी जमाव नहीं होना चाहिए। गंदा पानी यदि आपके मुख्य द्वार के आगे है तो उसे तत्काल हटा दें। यदि पश्चिम दिशा में ऐसा है तो धन का नुकसानदायक हो सकता है। हाँ दोस्तों, बंगाली लिया आता है, इसलिए कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने गंदा पानी, पानी का जमावड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काटेदार पौधे आपके घर के मुख्य द्वार, आपकी फैक्ट्री के मुख्य द्वार, आपकी दुकान के, व्यवसायिक स्थल के मुख्य द्वार पर यदि कांटेदार पौधे हैं तो दोस्तों मेरी बात को मानिए, आप इनको तत्काल हटवा दीजिए। यह क्लेश का निर्माण करती है, शत्रुता में वृद्धि करती है और आपसी जो तनाव होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। दोस्तों, सारे मेरे जो वास्तु टिप्स है ना, ये अनुभव के आधार पर है। कूड़ादान है, भूल कर भी आप कूड़ादान अपने घर का मुख्य द्वार के पास नहीं रखें। यदि आपने मुख्य द्वार के अपने आगे कूड़ादान रख दिया तो यह हानिकारक होता है, और यदि उत्तर दिशा का मुख्य द्वार है और आपने कूड़ादान वहां रख दिया है तो आप मान लीजिए आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी। बहुत ध्यान योग्य बातें, जैसे बिजली का खंभा है, आमतौर पर लोग बिजली का खंभा हटवा नहीं सकते। प्रयास कीजिए, अपने मुख्य द्वार के सामने यदि बिजली का खंभा है तो वो हटाइए, आपकी उन्नति के अंदर वो बाधक हो सकता है, या जहां तक आपकी उन्नति हुई आप वहां तक रह सकते हैं, आगे आपकी वृद्धि नहीं होगी। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, यदि बिजली का खंभा है तो वह बहुत हानिकारक है और इसको आपको हटवाने का प्रयास करना है। पेड़ पौधे वैसे तो बहुत फायदा देते हैं दोस्तों, यदि बहुत घने लंबे लंबे पेड़ मुख्य द्वार के आगे आ गए तो इससे दोस्तों सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आएगा, तो एक गंभीर वास्तु दोष हो सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए लंबे लंबे पौधे, जो बड़े बड़े तने हैं जिनकी, बड़े बड़े पौधे हैं वो मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं होने चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार, मैं बार बार कहता हूं के मुख्य द्वार को शुद्ध रखिए। कुछ लोग मुख्य द्वार के आगे जो अपनी मेन दीवार होती है और जो मुख्य गेट होता है द्वार के आगे ही बेल लगा देते। बेल का मुख्य द्वार के ऊपर से जाना अशुभ माना जाता है वास्तु में, यह विरोधियों और शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करने वाला है और व्यक्ति की उन्नति के अंदर भी यह बाधक होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर बेल का जो पौधा है, जो ऊपर चढ़ने वाला बेल है, वह आप नहीं लगाएं। मुख्य द्वार की दहलीज को हमेशा सड़क से ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, दहरी का पूजन भी बहुत शुभ माना जाता है, ये हिंदू मान्यताओं में देहरी के पूजन का मैं कभी आपको एक अच्छा सा और वीडियो बताऊंगा। तो देहरी पूजना चाहिए, इसलिए मुख्य द्वार की जब भी आप देहरी बनाएं तो सड़क से ऊपर बनाएं। ये मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दोनों पुस्तकें आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, खुशियों का वास्तु, संकट निवारण, हर्ष प्रदायिनी, नित्य स्तुति माला।